हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम सब लोग प्रकृति का हिस्सा हैं। हम सब पंच महाभूत से बने, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, और इन सब का हमारे जीवन पे और हमारे शरीर पे और हमारे स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। ये इन सब को पांचों को ऊर्जाएं बोलते हैं, दीज आर एनर्जीज। जब तक ये बैलेंस रहता है हम लोग स्वस्थ रहते हैं, और जब ये एनर्जीज, ये ऊर्जाएं इम्बैलेंस हो जाती हैं तो शरीर में रोग पैदा होते हैं, बीमारियां पैदा होती हैं। इनको हम दोष बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। दोष इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि एनर्जी जब इम्बैलेंस हो जाती है तो उससे रोग पैदा होते हैं। हम सबके स्वास्थ्य पे, हमारे शरीर पे, हमारी सोच पे पर्यावरण का बहुत असर पड़ता है, मौसम का बहुत असर पड़ता है, डेली रूटीन का बहुत असर पड़ता है। जैसे इसको बोलते हैं ऋतुचर्या, यानी कि सीजन के हिसाब से दिनचर्या, यानी कि डेली रूटीन क्या है, और हमारा जो भोजन है, जो हम खाना खाते हैं, वो क्या हम खा रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ के अनुसार हमारे स्वास्थ्य पे बहुत असर पड़ता है। और जो वात पित्त कफा दोष हैं, ये उससे इम्बैलेंस होते हैं, ये ऊपर और नीचे होते हैं, जिससे रोग पैदा होते हैं। सो फ्रेंड्स, लाइफ में हमारे स्वस्थ रहने के लिए बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, इन ऊर्जाओं का, इन एनर्जीज का। मेरा नाम है अमिताभ वालिया। मैं पिछले 11 साल से आयुर्वेदा और प्रकृति के इन सिद्धांतों को और इन प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ, इनको मैं समझ रहा हूँ और जान रहा हूँ। और इस संडे 26 जुलाई को 11:30 पर मैं एक बहुत ही शानदार सेशन आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जिसमें आप जान पाएंगे कि आपकी अपनी प्रकृति कैसे है, कौन सी है, आप में वात पित्त कफा कौन सा दोष ज़्यादा है, और आपको किस तरह का भोजन खाना चाहिए अपनी उस प्रकृति को बैलेंस करने के लिए। क्योंकि जब हमारे शरीर में बैलेंस होता है, इक्विलिब्रियम होता है, तो हम स्वस्थ रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए 11:30 पर जूम आईडी, नीचे लिखी हुई जूम आईडी पे आप लॉगिन करें, और अपने स्वास्थ्य के बारे में, प्रकृति के बारे में, आपके जो दोष हैं उनके बारे में, और किस तरह से हम अपने फूड के साथ, बिकॉज जैसा बोलते हैं यू आर व्हाट यू ईट, और गाय फूड इज योर मेडिसिन, ओके। सो इस सोच को साथ लेके आप लॉगिन करें और इसके बारे में डिटेल में जानें। थैंक यू।